हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही दमदार होने वाला है। दोस्तों, दमदार इसीलिए कि इस बिजनेस के लिए आपको ना कोई लाइसेंस लेना है, ना कोई मशीन लेना है, ना कोई दुकान लेना है, ना कोई गोडाउन लेना है। और ये बिजनेस में आपको ना कोई प्रोडक्ट बेचना है, ना कोई मेहनत है। दोस्तों, सिर्फ एक दिन में 3 से 4 घंटे भी ये बिजनेस आप करोगे तो मिनिमम एक दिन में ना 4 से 5 हजार रुपए आराम से कमाओगे। दोस्तों, वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया है दोस्तों, बिना दुकान, बिना लाइसेंस, बिना मशीन और बिना मेहनत से एक दिन में 4 से 5 हजार रुपए कमाई होने वाला कौन सा बिजनेस आइडिया है, और ये बिजनेस कौन कर सकते हैं और कहां से कर सकते हैं, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफिट कितना होगा, बिजनेस करने का तरीका क्या है, सब कुछ दोस्तों डिटेल में जानेंगे दोस्तों ये एक ही वीडियो में। यह वीडियो को आप अंत तक देखोगे ना दोस्तों, ये बिजनेस आपको करना है तो कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। और जहां पे भी आपको डाउट आता है, जो भी आपका मन पे सवाल आते हैं, तो मैं हूं दोस्तों, प्लीज एक छोटा सा कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। कमेंट्स का रिप्लाई से आपका डाउट मैं क्लियर करूंगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। बिजनेस आइडिया शुरू करने से पहले प्लीज आप लोगों से एक विनंती करता हूं कि यह मेरे बिजनेस आइडिया का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। चलिए, आज के जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, आलू प्याज का जो होलसेल बिजनेस आइडिया, होलसेल बोलेगा तो आप खुद एक डिस्ट्रीब्यूटर बन के एक होलसेलर को, रिटेलर को बेचने के, जो कैसा बेचोगे वैसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं दोस्तों। कम से कम पैसे से, बिना मेहनत से, बिना दुकान से। आपका मन पे अभी सवाल आ रहे होगा, यकीन के साथ कहता हूं कि बिना मेहनत, बिना दुकान से ये बिजनेस होगा ही नहीं है, ऐसे आप लोगों को लग रहे तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए। बिना दुकान से, बिना मेहनत से भी ये बिजनेस होता है और कमाई अच्छा खासा होगा दोस्तों। पहले क्या कीजिए दोस्तों, आपका जो शहर का जो होलसेल मंडी, जहां पे छोटे छोटे गांव का जो किसान लोग जो सब्जी लेके आता है, वहां जो बहुत बड़ा जो होलसेल मंडी होते हैं, वो होलसेल मंडी में आपको विजिट करना पड़ेगा। होलसेल मंडी में आपको खुद जाना पड़ेगा, खुद जाके सिर्फ वहां का नजारा देखिए। पहले जैसे कि मैं बता रहा हूं, जहां होलसेल मंडी में आलू और प्याज का बहुत दूर दूर से जो टन के हिसाब से ट्रक आते रहते हैं, जो लोडिंग अनलोडिंग का काम कंटिन्यू चालू रहते, वहां पे आप खड़ा होकर सिर्फ देख लीजिए, ठीक है। और वहां पे मार्केट में जाने से पहले एक छोटा सा आपको काम करना है दोस्तों, आपका जो नियरेस्ट, आपका जो नजदीकी जो होलसेल का जो, सॉरी, ये जो सब्जी का जो दुकान होता है, वो सब्जी का दुकान में एक एग्जांपल आलू का रेट पूछ लीजिए। रिटेल दुकान में मिनिमम समझ लीजिए 20 रुपए किलो आलू बिक रहा है समझ लीजिए, ठीक है। वही 20 रुपए का आलू वही होलसेल मंडी में मिनिमम 10 रुपए में बिक रहा होगा। जो रिटेलर क्या करते हैं, होलसेल मंडी से 10 रुपए किलो के हिसाब से लाके यहाँ पे 20 रुपए बेचता है, क्योंकि उनका भी आने जाने का खर्चा है और ट्रांसपोर्ट का खर्चा है और उनका मेहनत का खर्चा सब निकाल के वहां का 10 रुपए का आलू आपका जो नजदीकी सब्जी दुकान में 20 रुपए में बिकता है, ये तो आप लोगों को मालूम है, ठीक है। ये तो यकीन होगा कि यहाँ का 20 रुपए का आलू होलसेल मंडी में 10 रुपए में बिक रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो होलसेलर एक रिटेलर को 10 रुपए किलो वो दे रहे, तो ये जैसी बात है, होलसेलर को कहीं से जो जहां से भी वो आ रहे आलू, वहां पे 10 रुपए से भी कम रेट पे उसको मिल रहे होगा, तभी तो वो 10 रुपए में बिक रहे, तभी तो वो 10 रुपए में बेच रहे होलसेलर को, तो ये जैसी बात है। लेकिन हमको ये पता करना है कि ये होलसेलर कहां से ये आलू मंगवा रहे 10 रुपए से भी कमी रेट पे, ये हमको पता करना है। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, वहां पे जो ट्रक आते रहते हैं ना, वो ट्रक का ड्राइवर को आप मिल लीजिए दोस्तों, वो ट्रक का ड्राइवर को मिल लीजिए, उनको पूछ लीजिए, जैसे कि मैं एक होलसेलर हूं, पहले आप उनको ऐसा इंट्रोड्यूस कराइए, ऐसा पहचान करवाइए अपने आप को, तो वो इजी तरीके से आपको सभी इंफॉर्मेशन दे। इंफॉर्मेशन लेने के लिए ज्यादा आपको मेहनत करना नहीं पड़ेगा, वो ड्राइवर को जाके पूछ बता दीजिए कि मैं एक होलसेलर हूं, आप जहां से भी ये आलू लेके आ रहे हो, वहां वो जिसके पास से भी आप लेके आ रहे हो, उसका मुझे फोन नंबर दीजिए, एड्रेस दीजिए, क्योंकि मैं भी यहां पे होलसेल का जो दुकान ओपन करने वाला हूं, मुझे भी माल की जरूरत पड़ता है, आलू और प्याज की जरूरत पड़ता है, मैं भी वहीं से मंगवाऊंगा और आपका गाड़ी में ही मंगवाऊंगा। इतना आप बोलोगे ना, जो दुकान, जो ट्रक का जो ड्राइवर है ना, ट्रक का ड्राइवर हो, ट्रक का मालिक हो, कोई भी हो, आपको खुशी खुशी से नंबर और एड्रेस देगा। क्यों मालूम है? वो जहां से भी आपने खुद बोला है ना, मैं आपका गाड़ी में ही वो माल मंगवाऊंगा, उनको एक बैठे बैठे ग्राहक मिल गए, आप एक ग्राहक मिल गए, इसलिए वो खुशी खुशी से देगा। उनको मोबाइल नंबर एड्रेस देने में उनको कोई दिक्कत नहीं, वो मोबाइल नंबर लेके आप क्या कीजिए, उनको फोन कर लीजिए,
उनको बोल दीजिए, मैं ये अभी एग्जांपल मैं पुणे में होलसेलर हूँ, पुणे से मैं होलसेलर बात कर रहा हूँ, आपके पास से मैं माल मंगवाना चाहता हूँ आलू और प्याज, और वहां पे कितना रेट पे आप दे रहे हो। तो ये जैसी बात है दोस्तों, ये इस होलसेल मंडी में 10 से 12 रुपए किलो होलसेल रेट पे 10 से 12 रुपए किलो बिक रहा है, तो वहां पे मिनिमम 8 से 10 रुपए में वो बेच रहे होगा, क्योंकि होलसेलर भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे जो लोगों को बेचना है अपना मेहनत भी निकालना पड़ेगा, एक किलो पे उसको भी 2 रुपए या 3 रुपए तो मिल रहे होंगे, तभी तो वो वहां से 8 रुपए में लाके यहाँ 10 12 रुपए में बेच रहे, 2-3 रुपए इसको भी फायदा हो रहा है जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकाल के। ठीक है दोस्तों, तभी ये सी बात है कि उस जगह पे मतलब जहां पे आपने कॉल करके पूछ रहे हो वहां पे मिनिमम 8 रुपए 7 रुपए 8 रुपए किलो बिक रहे होगा, वहां से 7-8 रुपए का किलो का जो आलू यहाँ का पुणे का होलसेलर वो यहाँ पुणे में मंगवा के मिनिमम 7-8 रुपए का पुणे में मंगवाने तक ट्रांसपोर्ट का खर्चा खर्चा निकाल के उसका रेट हो जाते 10 रुपए, और यहाँ पे होलसेलर को भी 1-2 रुपए प्रॉफिट चाहिए तो वो क्या करता है 11 से 12 रुपए में रिटेलर को बेचता है, 1-2 रुपए एक किलो के पीछे वो भी प्रॉफिट रखता है। ये तो इजी सी बात है दोस्तों, आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। दूसरा शहर में दूसरा जो किसान आपको 8 रुपए किलो के हिसाब से 7 से 8 रुपए किलो के हिसाब से वो आलू देने वाला है, यहां तक क्लियर हो गया। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, वही होलसेल मंडी में एक मेंबरशिप लेना है, वहां पे एक कमेटी होता है, क्योंकि कोई भी जाके वहां पे होलसेल का जो काम नहीं कर सकते, सब्जी का काम नहीं कर सकते, उसके लिए वहां पे आप होलसेलर बनके आपको ये काम करना है तो वहां पे एक कमेटी से आपको एक मेंबरशिप लेना पड़ेगा। वो मेंबरशिप के लिए आपको 5 से 10 हजार रुपए वहां पे उस कमेटी में देना पड़ेगा। वो लोग कमेटी वाले आपको एक आईडी कार्ड बना के देगा, वो आईडी कार्ड में ये मेंशन रहेगा कि आप एक होलसेलर हो और ये होलसेल मंडी में आप होलसेल का जो भी बिजनेस कर सकते हो, जो भी सब्जी का फल फ्रूट का जो भी आप बिजनेस कर सकते हैं करके एक आपको आइडेंटिटी कार्ड बना के दे देगा। वो आइडेंटिटी कार्ड बनने के बाद आप कुछ भी बेच सकते हो, जैसे फल फ्रूट कोई भी हो या सब्जी भी हो, ठीक है, आप होलसेल रेट बेच सकते हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। आपने एक आइडेंटिटी कार्ड बनवाया, आप वहां पे एक मेंबरशिप का जो कार्ड ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, वो जो जहां पे आपने कॉल करके पूछा था उनको कॉल करके पूछना है कि मुझे 10 क्विंटल एग्जांपल का रेट पे, मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, 10 क्विंटल अभी 8 रुपए के किलो के हिसाब से एक क्विंटल का हो गया दोस्तों 800 रुपए, और 10 क्विंटल का हो गया दोस्तों 8000 रुपए, ठीक है, 8000 रुपए का वहां से 10 क्विंटल आपको आलू मंगवाना है। वो जो जिस गाड़ी से भी आपने बात किया ना, उस गाड़ी वालों को बताना है 10 क्विंटल मेरा है एक साइड पे, मेरा 10 किलो 10 क्विंटल लेके आ जाओ। वो लोग ड्राइवर लोग लेके आएगा, क्योंकि दूसरा दूसरा किसान लोगों से, दूसरा दूसरा होलसेलर से उनको ऑर्डर आता है आपका 10 क्विंटल का भी, उस गाड़ी में वो लोग जगह बना के लेके आएगा, क्योंकि उनको ग्राहक की जरूरत होता है। क्लियर है दोस्तों, वो लेके आने के बाद आपको एक छोटा सा काम करना है, ज्यादा मेहनत गिनत कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद अच्छा आप, और आपको एक बात बताना भूल गया, ये जो ट्रांसपोर्टर है, जो ट्रक का ओनर है, एक जो एक क्विंटल का मिनिमम 100 रुपए से लेकर 200 रुपए का चार्ज करता है, ठीक है, आपका समझ लीजिए एक बोरी पे 100 रुपए उसने ले लिया, 10 बोरी का 1000 रुपए ले लिया, आपके पास जो वहां का उस किसान से आपके पास 10 क्विंटल आलू आने तक 9000 रुपए हो गया, 8000 रुपए का आलू हो गया और 1000 रुपए का ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया, 9000 रुपए में 10 क्विंटल आलू आपके पास आके गिर गया। क्लियर है दोस्तों, अभी बेचने की बात करूंगा दोस्तों, बेचने के लिए भी आपको कुछ बेचना नहीं है दोस्तों, क्या करना है, आपका होलसेल मंडी में एजेंट लोग बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, कोई भी होलसेल मंडी में, जो होलसेल मंडी में एजेंट लोग घूमते रहते हैं, वो एजेंट लोगों का काम ही यही है, कमीशन बेसिस पे वो लोग आपका सामान बेच के दे देगा, बेचने के लिए वो लोग भी ज्यादा मेहनत नहीं करता है, क्योंकि ना वो एक एक एजेंट के पास मिनिमम 50-50, 60-60, 100-100 लोगों का जो चैन रहता है, जो रिटेलर जो होता है, छोटे छोटे सब्जी का दुकानदार जो होता है उनके साथ जो कांटेक्ट में रहता है, क्योंकि उनको वो भरोसा दिया जाता है कि मैं कम से कम रेट पे आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग मेरे से खरीद लो, उनके पास एक चेन रहता है जो छोटे छोटे दुकान वालों का। वो लोग क्या करता है, सिर्फ डेली बेसिस पे वो लोग सब्जी लाने के लिए जो सब्जी मंडी में आता है ना, वही एजेंट के पास ही जाता है, वैसे एजेंट को आपको पकड़ना है, वैसे एजेंट लोग आपको आसानी से सब्जी मंडी में इधर उधर बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, वो उस एजेंट को पकड़ना है और उनको बताना है कि मेरे पास 10 क्विंटल आलू है ये बेच लीजिए, आपका जो परसेंटेज है मैं दे दूंगा, ठीक है दोस्तों।
वो उनका परसेंटेज रहता है 2%, 2 से 3 रहता है, कहीं कहीं 2 रहता है। यहाँ पे तो पुणे में तो 2% है, आपके शहर में 3% भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, 1,000 रुपए, 1,000 मतलब 1 क्विंटल का 1,000 रुपए हो गया समझ लो, 1,000 अभी 10 रुपए किलो के हिसाब से बेचा तो 1,000 रुपए हो जाएगा, जर 12 रुपए किलो के हिसाब से बेचा तो 1,200 रुपए हो जाएगा, 1,200 रुपए हो जाएगा। 1,200 रुपए या 1,000 रुपए एग्जाम्पल के तौर पर मैं 10 रुपए किलो के हिसाब से बेचने की बात करूंगा, तो 10 रुपए के किलो के हिसाब से उस एजेंट ने बेचा तो 1 क्विंटल का 1,000 रुपए उसने दिया, 10 क्विंटल का 10,000 हो जाएगा। मैंने बहुत कम रेट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। उसका 1,000 रुपए के पीछे उसका 20 रुपए होता है, 10 क्विंटल का उसका हो गया 200 रुपए, ठीक है, 200 रुपए उसका हो गया। मतलब इजी सी बात है, जर आपने वहां से 8 रुपए किलो के हिसाब से आलू प्याज जो मंगवाया, यहाँ पे 12 रुपए किलो के हिसाब से बेचा, तो आपको 1 किलो के पीछे मिनिमम ना दोस्तों 3 रुपए का प्रॉफिट आराम से होता है। 3 रुपए प्रॉफिट भी हो गया तो 1 क्विंटल का पीछे आपको 300 रुपए मिल गए। 1 किलो का 3 रुपए के हिसाब से 1 क्विंटल का 300 रुपए हो गया, 10 क्विंटल का सीधा हो गया दोस्तों 3,000 रुपए। मैं सिर्फ 10 क्विंटल की बात किया हूं और यहां पे आप बिना मेहनत से 3,000 रुपए 2 से 3 घंटे में ही कमाया, क्योंकि वो एजेंट के पास इतना कस्टमर रहता है कि आपका 10 क्विंटल वो आसानी से 1-2 घंटे में बेचेगा। और उल्टा एजेंट आपको बोलेगा, साहब अगला बार आप थोड़ा ज्यादा मंगवाइए, क्योंकि मुझे भी बेचने में ज्यादा ये हो जाएगा, प्रॉफिट होना चाहिए और मेरे पास ज्यादा कस्टमर है, अगला बार आप आलू प्याज मंगवाओगे ज्यादा मंगवाइए, वो खुद आपसे रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि उनके पास कस्टमर बहुत ज्यादा रहता है। 10 क्विंटल बेचने में उनको कोई दिक्कत नहीं, 1-1 दिन में 50 से 60 क्विंटल वो लोग आराम से बेचता है दूसरे लोगों का, और 2% के हिसाब से आप खुद सोच लीजिए बिना पैसे से वो लोग बिजनेस करके कितना कमा रहे एजेंट लोग, और आप तो आपका माल उनको दे रहे हो 2% के हिसाब से बेच के दे करके, वो 10 क्विंटल का 2% के हिसाब से उसको कितना 200-300 रुपए इतना ही हो जाएगा, इसलिए वो ज्यादा खुद आपको बोलेगा कि ज्यादा माल मंगवा लो, ठीक है। 2 से 3 घंटे में आपका माल बिक गया और 3 रुपए 1 किलो का 3 रुपए के हिसाब से दोस्तों 10 क्विंटल का 3,000 रुपए आराम से 2 से 3 घंटे में आपने आराम से कमाया, बिना मेहनत से कमाया, ना दुकान है, ना लाइसेंस है, ना मशीन है, ना कुछ बेचना है, ना मेहनत है, ना कुछ नहीं है, आप 3,000 रुपए कमाया। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बिजनेस आइडिया समझाने के लिए सिर्फ 10 क्विंटल की बात कर रहा हूँ। जर यही 10 क्विंटल का छोड़ के आपने 20 क्विंटल मंगवाया या 15 क्विंटल 20 क्विंटल आपने मंगवाया, तो एक ही दिन में आपने 5 से 6 हजार रुपए आराम से कमाओगे दोस्तों। और आपको कुछ नहीं करना है, सुबह 2-3 घंटे का काम है ये, 8 बजे तक, सुबह 5 बजे से 8 बजे तक ही बाजार रहता है, उसके बाद 8 बजे से आप दूसरा भी काम कर सकते हो। प्लीज मुझे ये कमेंट्स करके आप बताइए कि ये बिजनेस आपको करना में और ये मेरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताने में कहाँ पे डाउट है आया है, और कहाँ पे आपको कुछ भी सवाल हो सकता है, जो भी आपका मन पे सवाल है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए और उस कमेंट्स का रिप्लाई से आपका डाउट क्लियर करूंगा दोस्तों। और ये बिजनेस साइड का जानकारी दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों ऐसे यूनिक तरीके का बेस्ट बिजनेस आइडिया लेकर और लीगल तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।